ये है इजी इंग्लिश और इंग्लिश की पाठशाला में आपका स्वागत है इजी इंग्लिश आपको हेल्प कर रहा है या नहीं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिखें और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं ज़रूर जवाब दूंगी जवाब शायद थोड़ी देरी से आएगा लेकिन आएगा ज़रूर आज के दो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं कोट और कोटेशन दोनों एक जैसे हैं और तकरीबन इनका यूसेज सेम सेम है लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको एक वर्ब है और इनमें से एक नाउन है यही वजह है कि इनका यूसेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन कंफ्यूजन रह जाता है क्योंकि दोनों तकरीबन एक जैसे हैं और कौन सा कहाँ यूज़ करना है अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं सो कोट मीन्स वेन यू रिपीट और कॉपी वर्ड्स फ्रॉम एन आर्टिकल पैराग्राफ और कॉमेंट्स ऑफ समन या फिर जब आप किसी जॉब का या सर्विस का एस्टिमेटेड प्राइस बताते हैं दोहराना या हवाला देना कोट जो है वो वर्ब है ये याद रखिएगा कोटेशन जो है वो नाउन है सो इफ़ यू रिमेंबर दिस यू विल ऑलवेज यूज़ द वर्ड करेक्टली फॉर एग्जाम्पल नीना कोटेड PM Modi मोदी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन progress प्रोग्रेस ड्यूरिंग ट्वेंटी यानी नीना ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि वो इंडिया की प्रोग्रेस बता सके दूसरा द होटल कोटेड हिम रुपीज फाइव थाउजेंड फॉर नाइट स्टे यानी होटल ने उसको एक रात रहने के जो प्राइस बताए वो बताए पांच हजार रुपए तो कोट वर्ब है ये याद रखिएगा क्विटेशन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेट और रिटन बाय समवन एंड यू यूज इट ठीक है या फिर एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ समथिंग या फिर अ पर्सन कैन कोट अ कोटेशन इस लाइन से आप कोट और कोटेशन में हमेशा डिफरेंस बता पाएंगे यानी कि किसी के कहे हुए शब्द जो होते हैं वो एक कोटेशन होता है नाउ कोटेशन इज नाउन ओके सो अ पर्सन कैन कोट अ कोटेशन तो कोट वर्ब है कोटेशन नाउन फॉर एग्जाम्पल ए पी जे अब्दुल कलाम्स कोटेशन वॉज द हाईलाइट ऑफ अ स्पीच यानी उसकी स्पीच की हाई लाइट ए पी जे अब्दुल कलाम की कोटेशन थी दूसरा द कोटेशन गिवन बाय द होटल वॉज वेरी एक्सपेंसिव यानी होटल ने जो कोट किया कोटेशन वो बहुत ज़्यादा महंगा था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो दोनों शब्दों में कन्फ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि अंग्रेजी में जो यूसेज है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है अक्सर मिलता जुलता है लेकिन इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया एक वर्ब है एक नाउन है सो कोट इज़ वर्ब एंड कोटेशन इज़ नाउन यही वजह है कि यूसेज जो है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है लेकिन मीनिंग तकरीबन सेम है एंड बिकॉज द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट द इज़ अ डिफरेंस और वर्ब और नाउन का जब आप डिफ्रेंस समझ जाते हैं ना तब आपका जो यूसेज वर्ड्स होता है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाता है सी यू सोन